श्रीनगर में आज फिर एक ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें एक शख्स की जान चली गई और कम से कम 15 लोग घायल हो गए। शहर के बीचों बीच हरि सिंह हाई स्ट्रीट है जहां सब्जियों की छोटी छोटी दुकानें लगती हैं। दोपहर 1:20 पर आतंकवादी यहां ग्रेनेड उछालकर फरार हो गए। धमाके के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां एक सब्जी वाले ने दम तोड़ दिया। घाटी में बीते 2 हफ्तों में यह तीसरा ग्रेनेड हमला है। 28 अक्टूबर को सोपोर में बस स्टैंड के पास ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें 15 लोग घायल हुए थे। इससे 2 दिन पहले 26 अक्टूबर को CRPF की एक टीम पर आतंकवादी ग्रेनेड उछालकर भाग गए थे। इंडिया टुडे ने शुरुआती जानकारी के आधार पर दावा किया है कि आज के ब्लास्ट में जान गंवाने वाला व्यापारी राज्य से बाहर का था। अगर ये बात सही है तो ये हमला कश्मीर में आतंकवाद के बदलते पैटर्न का एक उदाहरण है। हमने आपको पहले भी बताया है कि कश्मीर में आतंकवादी अक्सर सरकार या सेना को निशाना बनाते थे, लेकिन हाल के दिनों में आम लोगों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। धारा 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद से लगातार बाहर से आए लोगों पर हमला हुआ है जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी सुर्खी, महाराष्ट्र से सरकार बनाने का दम भरा जा रहा है लेकिन कोई बना नहीं पा रहा। रविवार को NCP के नेता अजीत पवार ने इंडिया टुडे से कहा कि शिवसेना के संजय राउत का मैसेज मिला है, बात करेंगे। तब से हर तरफ बातें ही चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री अमित शाह से बातें करने के लिए दिल्ली आए, NCP के शरद पवार कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात करने के लिए दिल्ली आए, शिवसेना के संजय राउत मुंबई में रहे, एक बार फिर गवर्नर कोश्यारी से मिलने पहुंचे। इन सारी बैठकों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ऐसा कहने की हमारे पास वजह क्या है, क्योंकि सिर्फ बयान आ रहे हैं। शरद पवार सोनिया गांधी के घर से बैठक करके बाहर निकले तो प्रेस ने घेर कर लाइव काट दिया। लगा कि सरकार अब बनी कि तब बनी, लेकिन पवार ने भी कोई ठोस दावा नहीं किया। बोले सोनिया से दोबारा मिलूंगा, यानी NCP अभी वेट एंड वॉच वाले मूड से निकलने के मूड में नहीं है। सबको भविष्य की राजनीति भी देखनी होगी कि किसके साथ जाएं तो वोट बैंक इंटैक्ट बना रहे। तीसरी सुर्खी, शनिवार को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस वालों की लड़ाई हो गई। पुलिस वालों को फायरिंग तक करनी पड़ी। कोर्ट सोमवार तक के लिए बंद हो गया। इसके बाद वीडियो वायरल हुए, कहीं तोड़फोड़ के, कहीं बाइक जलाने के। वकील वीडियोस दिखाकर पुलिस वालों को दोष दे रहे हैं, पुलिस वाले वकीलों को। वकीलों के संगठनों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। उत्तराखंड राजस्थान तक के वकील नाराज। अफवाहें उड़ने लगी कि कानपुर में भी ऐसा ही झगड़ा हो गया। खबरें आती हैं कि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में भी वकीलों ने पुलिस वालों को पीट दिया। साकेत कोर्ट से भी ऐसी खबरें आई। अब हो ये रहा है कि वकीलों के संगठन देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कोई हमारी भी सुन ले। ये काले कोट वाले कानून के रक्षक वीडियोस में नजर आ रहा है कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, और पुलिस जिनको संयम की शिक्षा दी जाती है वो भी सबके सामने है। किसी को किसी का काबू नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीसरे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP समिट में हिस्सा लिया। इसके लिए प्रधानमंत्री थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे हैं। RCEP पिछले कई दिनों से लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ये एक प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या व्यापारिक समझौता है। सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे 10 आसियान देशों के अलावा इसमें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल होंगे। इन सभी देशों के बीच व्यापार आसान होने से कुछ लोग आशंकित हैं इस प्रस्ताव से। उनका मत है कि भारतीय उद्योग और व्यापारी इन देशों के उद्योगों से होड़ में नुकसान उठाएंगे। कांग्रेस की तरफ से इसकी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस समझौते को किसानों के लिए सत्यानाशी बताया। PM RCEP समिट में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन वो फिलहाल किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करेंगे क्योंकि भारत सरकार की कुछ चिंताएं हैं जिनके दूर होने तक सरकार ने समझौते को टालने का फैसला किया है।